खबर है। मिर्जापुर से बंद पड़े ट्यूबवेल का बजट पास होने के बावजूद अभी तक नगर पालिका द्वारा नहीं कराया गया नया बोरिंग। नए बोरिंग का कार्य नगर के विभिन्न वार्डों में पानी के लिए दर बदर भटक रहे आम जनमानस। मिर्जापुर अरहरा सपा के नगर अध्यक्ष मुमताज अहमद ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नगर पालिका परिषद क्षेत्र के पटवा टोला तकिया डोमान वार्ड संख्या 22 में लगभग 2 वर्ष से बंद पड़े ट्यूबवेल पंप को चालू कराने के लिए नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी व ईओ राम दुलार यादव को दिनांक 1/9/2023 को पत्र दिया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए जिला प्रशासन ने कुछ माह पूर्व से लगभग 15 लाख रुपए पास किया। उसके बावजूद अभी तक ट्यूबवेल पंप का नया बोरिंग नहीं कराया गया, जबकि नगर की सबसे जटिल समस्या है वही जब से मलहाई टोला का ट्यूबवेल पंप का नया बोरिंग हुआ है। कंप्रेसर द्वारा अच्छी तरह से सफाई न होने के कारण पानी के साथ साथ बालू का भी सप्लाई नगर में हो रहा है। अचानक कल रात पानी की सप्लाई गति थम गई, तब जाकर ठेकेदार जो सूचित किया गया से पुनः सफाई कार्य कराया गया। वही कंप्रेसर ऑपरेटर महेंद्र ने बताया कि लगभग 1 दिन से 3 दिन व 5 दिन लग सकता है। अगर यही स्थिति कुछ दिन और रही तो शायद यह ट्यूबवेल बैठ जाता। इतनी बड़ी लागत से बोरिंग होने के बाद अगर बैठ जाता तो उसका जिम्मेदार कौन? नगर के विभिन्न वार्डों की जनता पानी के लिए दर बदर भटक रही है। कभी लोग पड़ोस के वार्ड से पानी लेने जाते हैं तो कभी बाजार में जाकर गैलन द्वारा पानी लाते हैं। वहीं इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश केसरी ने बताया कि प्रस्ताव भेजा गया है, जिला जांच कमेटी आकर जांच करेगी, तब जाकर बोरिंग का कार्य नया शुरू होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, आशीष कुमार पांडे। नाम है महेंद्र। क्या करते हैं? ऑपरेटर काम, ट्यूबवेल का कंप्रेसर चलाते हैं। क्या क्या इसमें दिक्कत है? इसमें दिक्कत ये है सर, बालू दे रहा है। अब इसमें हम अपना मशीन डालेंगे, जब पता चलेगा तब एक घंटा लगेगा कि 2 घंटा, 2 दिन लगेगा कि 1 दिन लगेगा, जब मशीन हम डालेंगे तभी बता सकते हैं सर। क्या उम्मीद है? उम्मीद ये है कि सर कि हम 2 दिन में इसको कन्फर्म कर देना चाहते हैं, 2 दिन 1 दिन में कन्फर्म कर देंगे। क्या नाम है आपका? मैं मुमताज अहमद, सपा नगर अध्यक्ष अरोरा। 1/9/2023 नगर पालिका परिषद अरोरा, ओम प्रकाश केसरी व राम दुलार यादव ईओ को ट्यूबवेल संबंध में लगभग 2 वर्ष पूर्व से खराब पंप के संबंध में पत्र दिया गया था, जो शासन के द्वारा लगभग 15 लाख रुपए पास कर दिया गया है कुछ माह पूर्व, लेकिन अभी तक कोई कार्य नहीं किया गया। जबकि कल रात मलहाई टोला ट्यूबवेल अचानक खराब हो गया। सूत्रों की मानो तो जब से मलहाई टोला का ट्यूबवेल लगा हुआ है लगातार बालू आ रहा है, कल अचानक बैठने की स्थिति में हो गया है, जो आज कंप्रेसर मैकेनिकल महेंद्र ने बताया कि ट्यूबवेल का सफाई किया जा रहा है, 1 से 3 व 5 दिन लग सकता है।